अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक दिलचस्प मौजू पर और एक अहम मौजू पर, और वो मौजू है कि वो आदतें जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचाती हैं, यानी दिमाग को नुकसान पहुँचाने वाली आदतें। और ये जितनी भी आदतें हैं ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड आदतें हैं। तो दिमाग हमारे जिस्म का एक नाजुक हिस्सा है। WHO ने 10 ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। आज उसमें से हम 5 को डिस्कस करेंगे, 5 को नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। दिमाग जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जब हम सोते हैं तब भी दिमाग काम करता रहता है, और ये ना तो सोता है ना वक्फा लेता है। और दिमाग चूंकि आज़ाए रईसा में से है, आज़ाए रईसा 3 आज़ा को कहते हैं, दिल, जिगर, दिमाग, जो सबसे अहम आज़ा हैं हमारी बॉडी में। और दिमाग चूंकि इन आज़ाए रईसा में से एक है, इसके ख़राब होने से ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो जाती है। इसलिए इसका ख्याल रखना और इसे नुकसान से बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो हमारी कुछ आदत हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। इन आदत के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इनको छोड़ने की कोशिश करें अगर किसी आदत में मुब्तला है। सबसे पहला है नाश्ता छोड़ना। हम जब रात को सो जाते हैं तो सारी रात जिस्म को खुराक नहीं मिलता, और हमारे जिगर में स्टोर शुदा ग्लाइकोजन जो खुराक है वो भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा सुबह में खुराक की अशद ज़रूरत होती है। अगर हम सुबह नाश्ता स्किप कर दें, नाश्ता न करें, तो जिस्म को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और दिमाग को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, तो दिमाग भी फिर ठीक से काम नहीं करेगा। इससे फिर गनूदगी होगी या चक्कर भी आएंगे और दिमाग के सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है ज़्यादा खाना। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका दिमाग खाई हुई खुराक को हजम करने के लिए मुसलसल पैगामात भेजता रहता है, और हार्मोन्स या एंजाइम्स खारिज करता रहता है उस खाने को हजम करने के लिए। ज़्यादा खाने से आपका जिस्म मोटा भी हो जाएगा, जिससे एक तरफ आपका वज़न बढ़ जाता है और दूसरी तरफ शरियाने आर्टरीज भी सख्त हो जाती हैं, जिससे जिसमें दिमाग की आर्टरीज भी शामिल हैं। कि मोटे लोग तकरीबन जहीन भी नहीं होते, बल्कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मोटे लोगों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा किसी को जहीन नहीं पाया। इसलिए खाना तब खाएं जब भूख लगी हो, ना कि खाने का टाइम हुआ तो खाना खा लिया। वंडर बेल्ट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च का नाम था न्यूरो साइंस प्रोग्राम इन सबस्टांस अब्यूज़। इस रिसर्च में ये बात मालूम हुई कि ज़्यादा खाने से दिमाग में एक ख़राबी पैदा होती है, जिससे अगर आप शेर भी हों तब भी आपका दिमाग खाना खाने के पैगामात भेजता रहता है, जिससे जिस्म में मजीद खाने की ख्वाहिश पैदा होती रहती है, और मजीद खाने से आदमी मोटा होता रहता है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर मार्क पी मैटसन के मुताबिक कम खाने से अल्जीमर की बीमारी नहीं होती, जिसमें याददाश्त वगैरह ख़राब हो जाता है, पार्किंसन की बीमारी नहीं होती जिसमें जिस्म स्लो होता है, चलने में मुश्किल होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको अपना खाना 5:2 में लेना चाहिए। अब 5:2 का क्या मतलब है? यानी आप 5 दिन तो नॉर्मल खाना खाएं, जबकि 2 दिन आप अपने खाने में से कम 600 कैलोरीज कम कर दें। यानी अगर आप 2000 कैलोरीज खाना खाते हैं तो 600 कैलोरीज उसमें से कम कर दें। दिमाग तेज़ होता रहता है, और आपको दोस्तों पता होगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ते में 2 रोज़े भी मौजूद हैं, यानी एक मंडे के दिन और एक थर्सडे के दिन। अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, चीनी का इस्तेमाल। ज़्यादा चीनी खाने से आपके जिस्म में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आपके जिस्म में ट्राईग्लिसराइड जो कि फैट मालिक्यूल्स है उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। इससे ना सिर्फ आपके जिस्म पर चर्बी चढ़ जाएगा, बल्कि आपका जिस्म प्रोटीन और दूसरे गजाई अज्जा को जज्ब करना भी कम कर देगा, और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरा भी बढ़ जाता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एक रिसर्च हुई जिसमें ये मालूम हुआ कि ज़्यादा चीनी से दिमाग पर वही असरात होते हैं जो ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन से होते हैं। इसके लिए आप बोतलों से और कैंडीज़ वगैरह से दूर रहें और कोशिश करें कि वो खुराक लें जिसमें चीनी कम से कम मौजूद हो या ना हो। चौथे नंबर पर है सेल फोन रेडिएशन। 2016 में एक रिसर्च किया गया, 2 साल ये रिसर्च चला और इस रिसर्च के चूहों को 9 घंटे यानी 2 साल तक 9 घंटे रोज़ाना सेल फोन की रेडिएशन में रखा गया। इससे इसके जब रिज़ल्ट को देखा गया तो पता चला कि इन चूहों में ट्यूमर बनना शुरू हो गए थे यानी कैंसर्स के सेल्स बनना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सेल फोन फेंक दें बल्कि आजकल जो सेल फोन्स हैं उनमें एंटीना अंदर मौजूद होते हैं जिससे दिमाग को ज़्यादा नुकसान का ख़तरा नहीं, मगर फिर भी सेल फोन इस्तेमाल करते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। बात करते वक्त हैंड फ्री या स्पीकर इस्तेमाल करें ताकि सेल फोन आपके कान या दिमाग के करीब ना हो। अगर सिग्नल्स कमज़ोर हों तो फ़ोन को अपने से दूर रखें क्योंकि इस दौरान फ़ोन सिग्नल रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता है और बजाय बात करने के मैसेज को ज़्यादा तरजीह दिया करें ताकि सेल फ़ोन आपके दिमाग से दूर रहे। और फ़ोन को अपने शर्ट या पैंट में हर वक्त रखने के बजाय जब आप किसी जगह बैठे हों तो उसे अपने आसपास अपने से थोड़ा सा दूर रखा करें। और पांचवे पॉइंट पर अब हम आते हैं तंबाकू नोशी। हम जानते हैं कि तंबाकू नोशी यानी सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तंबाकू नोशी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दिमाग के सिकुड़ाव को बढ़ा देता है यानी इससे दिमाग श्रिंक होना शुरू हो जाता है और इससे अल्जीमर की बीमारी यानी याददाश्त का ख़राब होना, समझने में मसला होना, मूड का एकदम तब्दील हो जाना और डेमेंटिया यानी याददाश्त की कमी, सोचने की सलाहियत की कमी जैसे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये न सिर्फ दिमाग को नुकसान देता है बल्कि दूसरे आज़ा को भी तबाह कर देता है। सिगरेट पीने से जिस्म में डोपामीन भी कम पैदा होता है और डोपामीन वो हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है यानी आपकी बॉडी में पैगाम रसानी का काम करता है। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके जिस्म में जो पैगाम रसानी का सिलसिला है वो भी डिस्टर्ब रहता है। और एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि इससे दिमाग का कॉर्टेक्स भी पतला हो जाता है जो दिमाग की एक तय है और इसकी वजह से याददाश्त, ज़ुबान और इदराक ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके पतला होने से दिमाग की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। ये इसका पार्ट 1 था। वीडियो के ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं इसके पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दिलचस्प मौजू पसंद आया हुआ होगा और आप ख़ुद भी इन आदत से बचने की कोशिश करें और अपने प्यारों को भी इन आदत से बचाने के लिए तरगीब दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपनी आरा।